हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो जी एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। और आज इस जो है चैनल पर जो है काफ़ी टाइम के बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि क्या था, पहले बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद ही मां के पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर ये बेड वगैरह का चक्कर हो गया, और फिर उसके बाद जो है ये उसी दिन का वीडियो है जिस दिन बेड हम लोगों ने ऊपर चढ़ाया था, यानी दो दिन पहले का वीडियो है, सुबह मॉर्निंग का वीडियो है। रात को मैंने छोले भिगो कर रख दिए थे, और यहाँ पर जो है मैं अभी तड़का वगैरह लगाने की तैयारी मैं कर रही हूँ, बच्चे जाएंगे स्कूल, और तब तक जो है मैं, क्योंकि क्या करती हूँ जब मैं लेट वगैरह होती हूँ, मुझे जल्दी काम ख़त्म करना होता है, कहीं जाना होता है, तो मैं क्या करती हूँ कि साथ साथ में जो है एक तरफ कढ़ाई चढ़ा देती हूँ, साथ साथ में जैसे तेल वगैरह गर्म होता रहेगा जब तक जो है प्याज वगैरह का तड़के की जो तैयारी है वो साथ साथ में मैं कर देती हूँ। और काफ़ी टाइम के बाद जो है मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ ना, क्योंकि क्या होता है ना इस चैनल पे अभी एक तो मेरी, मैंने कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि आँखों में बहुत ज़्यादा जो वो मेरा वो रहता है, हैवीपन सा दर्द रहता है आँखों में। तो कल भी क्या हुआ कि मैं दवाई लेना भूल गई वरुण के जन्मदिन के चक्कर में, और आज एक बार फिर से जो मेरी आँखों में हैवीपन सा हो रहा, पता नहीं क्यों कैसे दवाई जो है वो दिमाग से निकल गई, और मुझे भी रात को जैसे शाम को बुखार हो गया था 5:30 बजे के आसपास, तो तबीयत जो है उसके चक्कर में वो दवाई भी खाई थी और मैं बिल्कुल ध्यान से जो वो उतर गया। तो अभी लगा लेते हैं तड़का, और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जब मैंने छोले उबाले थे, तेज़पत्ता वगैरह जो है मैंने इसी के अंदर डाल दिया था, और अभी जो है जैसे ही हमारा तेल गर्म हुआ मैंने जीरा डाला, जीरा डालते ही मैंने प्याज डाला, फिर उसके बाद जो मैंने दो बड़े बड़े टमाटर, लहसुन और एक हरी मिर्च जो है मिक्सी में पीस लिया था वो डाला, उसके बाद हल्दी है, नमक है और धनिया पाउडर है, ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने ऐड करी हैं। थोड़े से छोले इसमें मैं ऐड कर लूँगी, थोड़ा सा पानी मैं इसमें डाल लूँगी, और इसको आलू मैशर से अच्छे से मैश कर देंगे। इसी बीच जो है मैंने क्या किया है कि आटा वगैरह लगा कर रख दिया है, और सब्ज़ी हमारी हो गई है बनके रेडी, अब बच्चों को स्कूल का लंच रेडी करूँगा। तो जी आज जो है मैं आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है शेयर करना चाहती हूँ, इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि क्या है ना कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, ठीक है, डेली यूट्यूब पे मेरा वीडियो जो आता है, व्लॉग जो आता है, आपकी जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स का मैं रिव्यू भी मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, जो मुझे पसंद आता है, मुझे लगता है कि ये जो है प्रोडक्ट आपके लिए जो है वो सही है। आप में से बहुत सारे जो लोग मुझे कॉमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग जो है कॉमेंट करते हैं, बहुत सारे कॉमेंट जो है वो कॉमन होते हैं, ठीक है, तो मैं एक एक कमेंट्स का जो है बहुत अच्छे से रिप्लाई करती हूँ, किसी भी कमेंट को मैं नहीं छोड़ती हूँ कि मैं रिप्लाई ना करूँ। अगर बहुत सारे कमेंट्स जो वो कॉमन होते हैं ना, सबका एक जैसा कमेंट होता है, तो मैं उनको सिर्फ एक ही रिप्लाई करती हूँ कि मैं आपको कल या परसों एक दो दिन में वीडियो बना के मैं आपको जो है वो रिप्लाई करूँगी। तो जी आजकल जो है मेरे कॉमेंट बॉक्स में, चाहे वो मेल है या फीमेल है, एक ही क्वेश्चन जो है वो बार बार जो है वो पूछा जाता है कि दी वेट गेन के लिए जो है हम क्या ट्राई करें कि जिससे हमारा जो है वेट बढ़ जाए। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में भी बताया कि जी हम एक अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छी सी एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो है वो वेट नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन कुछ लोगों की ये चीज़ के ना को लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि अगर वो एक्सरसाइज करेंगे, अगर वो अच्छी डाइट लेंगे तो उनका जो है वेट बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वेट गेन करने के लिए क्या है, एक अच्छी डाइट के साथ साथ, एक अच्छी एक्सरसाइज करने के साथ साथ आपका डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो आपका जो एपीटाइट है वो भी बहुत अच्छा जो है वो होना चाहिए। मार्केट में ना आपको बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो आपकी वेट गेन करने में जो हेल्प कर सकते हैं, बहुत सारे सर्च करो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन हमें जो ऐसा वैसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना है जो आपको जो है आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल सही ना हो। तो मैं काफ़ी टाइम से इन चीज़ों पर रिसर्च कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कॉमेंट्स किया है, तो ऐसा भी नहीं होता है कि हम कुछ भी उठा कर ले और वो हम जो है खा ले और हमारा वेट गेन जो है वो हो जाए, ठीक है। मैं बहुत टाइम से जो इन चीज़ों पे रिसर्च कर रही हूँ, आप रिसर्च करने के बाद जो है आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मिल गया है, और वही चीज़ जो है मैं आपके साथ मैं आपके जो है शेयर करूँगी। नेचर श्योर का डबल मास वेट गेन टैबलेट्स है, जो कि आपके एपिटाइट को इंक्रीज करेगा, जो कि आपकी वेट गेन में तो वेट गेन करने में तो आपकी हेल्प करेगा ही करेगा, साथ में जो आपकी कैलोरीज को भी इनटेक करने में भी जो है वो कि आपकी हेल्प करने वाला है। पूरी डिटेल में खोल के मैं आपको दिखाऊंगी कैसा क्या है ये इन टैबलेट्स है। डबल मास टैबलेट्स का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, 100% जो है वो नेचुरल है, एंड ISO सर्टिफाइड टैबलेट्स हैं।
इसे जो है कोई भी ले सकता है, चाहे वो एक आदमी है या कोई भी एक औरत है, कोई भी जो है वो ले सकता है, मैन या वुमेन कोई भी इसे जो है वो कंज्यूम कर सकता है। और इस प्रोडक्ट में जो है अश्वगंधा है, सत्वरा है, देन सेफ मूसली है, जो आपकी वेट गेन करने में हेल्प करेगा ही करेगा, और साथ ही साथ जो है उन लड़कियों के लिए भी जो है हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो है सत्वरा है तो उनको ब्रेस्ट जो एनलार्जमेंट है उसमें भी जो है वो ये हेल्प करने वाला है। ये जो टैबलेट्स हैं नेचर शो की डबल मास वेट गेन टैबलेट्स हैं, ये जो टैबलेट्स हैं आपकी जो है डाइजेशन पावर को भी इंक्रीज करता है। और इससे रिलेटेड जो भी इंक्वायरी आप चाहते हैं, ये जो आपको जो ये दिख रही हैं टैबलेट्स वगैरह, इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी जो आप चाहते हैं तो मुझे जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स प्रोवाइड कर रही हूँ, या इससे रिलेटेड जितने भी इंग्रेडिएंट हैं उन इंग्रेडिएंट से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी जो आप चाहते हैं तो मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। जो नेचर शो से के जो डॉक्टर्स जो प्रोवाइड करे गए हैं वो खुद आपको जो है वो कॉल करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन जो है इससे रिलेटेड जो वो आपको देने वाले हैं। और जो डॉक्टर आपको कंसल्ट करेंगे उसका कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कैसा है कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी चीज़ें नेचुरल प्रोडक्ट है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो जाइए बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 100% सेफ है, नेचुरल है। तो जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब, और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। और अभी जो है शाम का टाइम हो गया है, और आज मैंने कल दवाई नहीं ली थी, वरुण का जन्मदिन था कल, और उसके चक्कर में जो है मेरी आंखों में भारीपन एक बार फिर से हो गया है। बहुत अजीब सा जो है वो भारीपन, मतलब ये हो रहा है कि मैं सो जाऊँ, बस बार बार ये हो रहा है कि मैं सो जाऊँ। और बेड वगैरह हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो लगा दिया अच्छे से, और वरुण अभी ट्यूशन से आया है, हिमांग की आज छुट्टी थी, सैटरडे है, तो दोनों बच्चे यहाँ पर जो है खेले। हेलो हेलो, कौन लेकर आया था? मैंने फूफा से अपने बर्थडे पे मंगाया था, कल था, देखो ये कैसे चलता है, दिखाओ। हाँ दिखाओ, ये देखो मामा। ये कौन लाया था? ये भी बाऊ लाई थी, बुआ मतलब बाऊ का मतलब। ये कैसे चल रहा है? ये अभी तक घूम ही रहा है भाई, ये बहुत देर तक घूमेगा, अभी मम्मी इसको रोकेगा। और क्या क्या लेके आई थी बुआ? और एक और रिमोट कंट्रोल कार लेके आई थी, और क्या था, और ये बेबलेट लाई, और बेबलेट और पपेट, बस दो कार लेकर आई थी, रिमोट कंट्रोल वाली जो दो कार है ना वो लेकर आई थी। दोनों की तो बैटरी खत्म हो गई, तो बैटरी बेटा पहले चार्ज करना पड़ता, खत्म तो उसकी आती ही है। तो बस अभी जो है मैंने चाय पी है, और हिमांग को भी कल रात को बुखार था, दोपहर को भी बुखार था, दवाई दे दी थी, दवाई से उतर गया। आजकल पता क्या चल रहा है कि वायरल जो है वो चल रहा है, और पता है अजीब सा धुंधला सा जो है वो दिख रहा है वायरल की वजह से ना, आसपास में भी हमारी भी, जिसको भी देखो ना यहाँ के एरिया में जो है सबकी हालत जो है वो बहुत ख़राब है। हाँ कैसे लगाते हैं इसको, मुझे तो चलाना नहीं आता भाई इसको, हैं क्या क्या तू चलाऊगा, क्या करेगा? अच्छा ही मांग के इधर आ मेरे पास, हाँ ऐसे खींचते हैं, फिर इधर है मेरे पास, इधर आ, इधर आ मेरे पास। एक बात बता मेरे को, ये बता हिमांग को ABCD आती ना, एन आर वो बात है, अच्छा सुना, काउंटिंग सुना दे, मारा पैर पे, इधर है मेरे पास आई, पर इधर है मेरे पास, गोदी आई हिमांग के मेरे पास आ बेटा, ABCD तो सुना दे, अच्छा काउंटिंग सुना दे, तो गिनती एक दो, तू यो खेल लेगा भाई, का ती भी नहीं सुना कितना यंगा लगा ले, क्या है अभी इसको ना प्रोनाउंसिएशन काफ़ी सारी चीज़ों की जो है वो आ गई है, काफ़ी फ़र्क जो है वो पड़ रहा है। बहुत सारे आप में से जो है सब्सक्राइबर जाना चाह रहे थे हाँ कि हिमांग ने कितना इंप्रूव किया है, इस डॉक्टर के पास जब से मैं गई हूँ 2 मंथ्स हो गए, हाँ हिमांग ने बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव किया। मेरे को नहीं आता बेटा चलाना, नहीं नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, क्या कर रहा देख, क्या बुआ लाई थी, दो दो लाई थी, तो फिर वो सुना तो दे, एक एक दो तीन चार, इमाम चार पाँच छ, सुना दे ना, शर्मा गया अभी नहीं सुनाएगा बिल्कुल भी,
तो अभी जो है मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने चैनल पर कंटिन्यू हो पाऊँ। ऐसे तो नहीं चलेगा क्योंकि तबीयत वगैरह का बहाना जो है वो कब तक चलेगा, क्योंकि एक इतनी मेहनत के बाद जो है मैंने ये चैनल उठाया है, बहुत मेहनत के बाद। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जो है चैनल पर जो है वो कंटिन्यू हो पाऊँ। और क्या चार्जर को उसमें दराज में रख बेटा, चार्ज पूरा चार्ज, अच्छा वो लग चार्ज करना है क्या? ठीक है, तो मैं पूरा जो है वो पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू हो पाऊँ और व्लॉग एंड करूँगी। अभी तो यहीं पे ज़्यादा कुछ तो मैंने शेयर नहीं करा, सिर्फ रेसिपी शेयर करी है और जो मैंने वेट गेन टैबलेट्स आप लोगों के साथ शेयर करी है वो एकदम 100% नेचुरल है, किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट इनके साथ नहीं है। तो आप जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है आप जाके उनको बाय कर सकते हैं। और बाय करने से पहले अगर आप उनसे कोई भी इंक्वायरी करते हैं तो कंसल्टेंट जो होंगे फ्री डॉक्टर्स जो डॉक्टर्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सारी चीज़ों के बारे में सारे इंग्रेडिएंट के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। चलिए व्लॉग एंड करते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना ताकि आने वाले सारे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाए, मेरे सारे व्लॉग्स देख पाओ। टिल देन बाय बाय।